ये गाजी ये तेरे पुरसरार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, दोनीम इनकी ठोकर से सहरा व दरिया सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई। दोस्तों कहा जाता है कि जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। अल्लाह तबारक व ताला के माबूद बंदे वो तमाम लोग जो खुदाए बुजुर्गो बरतर के सामने हाथ जोड़कर दुआएं करते हैं और अल्लाह तबारक व ताला पर ईमान लेकर आते हैं, उन्हें इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो किस जगह पर हैं, ख्वाह वो सफ़र में हैं, ख्वाह वो हिजर में हैं, ख्वाह वो मंजिल खिजर में हैं, वो जहाँ भी मौजूद हैं वो अल्लाह तबारक व ताला का सजदाए शुक्र बजा लाते हैं, नमाज अदा करते हैं। वो जानते हैं कि बरोज़ क़यामत पहला सवाल नमाज का होगा। ज़ेर नज़र वीडियो क्लिप में आप देख सकते हैं कि एक मुसलमान है जो कि शायद किसी खलीजी मुल्क के अंदर मौजूद है। ये ट्रक चलाने वाला एक मुसलमान शख्स है जो कि पेशे के एतबार से एक मजदूर है, एक ड्राइवर है। ये अपने ट्रक को रोड की साइड पर लगाकर ट्रक के बिल्कुल ड्राइविंग कैबिन के सामने जाय नमाज बिछाकर नमाज अदा कर रहा है ताकि किसी भी साइड से कोई ट्रैफिक, कोई शख्स, कोई इवन शुरता आकर इसको तंग न कर सके और ये अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर सजदा शुक्र बजा लाए कि खालिक व मालिक कायनात ने इसे मौका दिया कि ये अपनी इस ज़िंदगी के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की इबादत कर सके। प्यारे दोस्तों, यकीन जानिए कि ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है। इस मुख्तसर और फ़ानी ज़िंदगी के अंदर अगर हमने आखिरत की तैयारी कर ली, अल्लाह तबारक व तआला के सामने सजदा रेज हो गए और सजदा शुक्र बुझा लाए और अगर हमने अल्लाह तबारक व तआला की इबादत सही मानों में कर ली तो यकीन जानिए कि हमारी ज़िंदगी का मकसद पूरा हो जाएगा, क्योंकि इसके अलावा ज़िंदगी का और कोई मकसद नहीं है। हम सब ने ख़त्म हो जाना है। अगर रह जाएंगे तो हमारे नेक आमाल रह जाएंगे।